आज हम लोग इस किरण का एक बार दवाई है, हाँ और एक बार, हाँ चल ठीक। ओके, मैं कुछ चीज़ आज शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। हर किसी को सक्सेस होने के लिए, आवाज़ आ रहा है क्या? प्लीज़ डू लेट मी नो। किसी को सक्सेस होने के लिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत लेट समझ में आ गया कि बुक पढ़ना है, तो मैं चर्च गेट में ऐसे ही जा रहा था, तो बड़ा बड़ा बुक लेने की मुझे डर लगता था, उतना पैसा कौन डालेगा यार। तो रोड पे एक बुक था जो डिस्काउंट में मिलता था, 400 रुपये का बुक है, 300 रुपये का बुक है, मुझे 100 रुपीज़ डिस्काउंट में मिल रहा था। एंड ये बुक मैंने लिया, एंड बुक का नाम यू नो हाउ टू गेट वेर यू वॉन्ट टू गेट, एंड ये जैक कॉनफील्ड का बुक है, राइट? आवाज़ आ रही है? ओके, सो मैंने ये बुक लिया और मैंने पढ़ना चालू किया, और ये बुक इतना पुराना है, यू कैन चेक, ठीक है, पूरा पूरा पसीना पसीना हो गया और फटा हुआ है, यू नो सो मेनी करेक्शंस, यू नो ये सब है। ओके ओके, ये बुक मैं आज क्यों बता रहा हूँ? ओके, ये बुक पढ़ने के बाद बुक पढ़ा, मुझे एक सेशन सक्सेस ट्रेनिंग का ट्रेनिंग मुझे सेशन डिलीवर करना था। उस समय ये लाइफ सक्सेस का ट्रेनिंग का नाम था ट्रिगर सेशन। ओके, तो हम लोग ने एक पूरा स्टूडेंट्स के लिए ट्रिगर सेशन स्टार्ट किया, तो उसके बावजूद वो सेशन हुआ, लेकिन इसमें एक पेज आता है दैट इज मिलियनेयर पार्टी। ओके, मिलियनेयर पार्टी ये पेज ऐसा है, 20 साल के बाद जहाँ मिलना है वैसा उनको एक एक्टिविटीज़ करना है। तो मैंने ये जो 20 साल के बाद जो एक्टिविटीज़ है वो मैंने किया हर स्टूडेंट्स के साथ। ये सेशन में जितना है वो भी था, उसके अलावा फिगर ट्रिगर सेशन का भी मैंने किया। फिर हम लोग ने मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैंने ये ट्रेनिंग किया, इनका ट्रिगर सेशन 4 वीक्स 3 वीक्स ऐसा चलता था, और उसमें बहुत सारे चमत्कार हुआ, और वो चमत्कार आज आपको मैं बताने के लिए आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो वो ट्रेनिंग में 20 साल के बाद जो बनना है इन्फॉर्मेशन मिररिंग वर्ड, राइट? या करेक्ट, या बाद में दे दूंगा। ओके, सो वो जो चमत्कार हुआ आज उसके बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। सो लेट्स मीट महेश माने, ठीक है, माय स्टूडेंट। इनका हम लोग ने डेढ़ साल पहले हम लोग मिले थे, सो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करिए। मेरा नाम महेश माने है, मैं 1.5 साल पहले सर से मिला था, जहाँ पे मैं क्लासेस में पढ़ता था, एसीआई रिपेयरिंग का कोर्स करता था। तो फिर वहाँ पे ट्रिगर सेक्शन, मतलब ट्रिगर सेक्शन का ये था, कंपाउंड था, फिर फ्री में था, फ्री में लेक्चर था, मेरे को लगा था कि कॉस्ट है करके, तो मैं बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि वो फ्री में है, तो फिर मैं फ्री में इसलिए मैं ज्वाइंट हो गया। मैं बोला फ्री में कोई चीज़ मिलती तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। पहले भी मैंने अपने यूट्यूब में बताया था, तो फिर मैं गया, फिर उसमें वो ट्रिगर सेक्शन अटेंड किया, सर आए, फिर हम लोगों को कैसा पंचुअलिटी ये सब सीख, मतलब उनके जो बात की है मेरे से, तो फिर वो टाइम पे मतलब मेरा ऐसा कंडीशन नहीं था कि मैं कुछ करूँ, या मतलब ऐसा लग रहा नहीं था कि अंदर से कि मैं, सर ने बोला जाके आगे जाके स्टेज पे बात करो, तो मैं बात नहीं कर पाता था पहले। तो फिर मेरे को सर ने बताया कि जाओ बात करो, तब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक्चुअली मेरे को बात करने भी नहीं आता था, तो फिर मैं सडनली, फिर सर ने बोले उठो और जाओ बात करो, फिर मैं जाके बात करने लगा, फिर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया। फिर मैं पहले मतलब कुछ मतलब मालूम नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, क्या है और कुछ मतलब आगे कैसे बढ़ना है, कुछ ऐसा मतलब नहीं था कि जैसे आया फिर बाद में फिर बैठा ऐसे ही निकलो, क्लासेस में जैसे पढ़ते थे, कॉलेज में जैसे किया, मस्ती मजा किया, वैसे ही सेम प्रोसीजर सब वही रहा।
मेरा मतलब डे टू डे वही चलते रहा कि दोस्त से मिलो, ये करो, फिर बिजनेस की बातें नहीं होती थी कुछ ऐसा, मतलब कुछ करना है लाइफ में ऐसा नहीं। एक ट्रिगर सेक्शन लेक्चर हुआ सर का, वहाँ पे आए सर, फिर वहाँ पे हम मेरे को सब बताया उन्होंने कि ये चीज़ें, मतलब आप क्या करना चाहते हो, पहले आप सोचो कि क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते हो। तो मैं ट्रिगर सेक्शन में ऐसे बैठा था, फिर सर ने मतलब आके बताया कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा मतलब लिखो, अपने अपने ड्रीम्स लिखो, अपने मतलब ये सब लिखो। तो मैंने वो लिखना चालू किया, बुक में लिखा, सर को दिखाया, सर ये मेरे को ऐसा ऐसा करना है और यहाँ तक जाना है, ऐसा मतलब एक सोच थी। सर ने बोला इससे सोच बड़ा बड़ा रखो, तो फिर अगर बड़ी सोच रखोगे तो छोटा तो मिलेगा। तो फिर वो हिसाब से बड़ी सोच, मैंने अपनी सोच को बढ़ाया। फिर बाद में फिर सर ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा करो, अपने पहले ड्रीम्स लिखो कि आपको क्या करना है आगे। तो मैंने लिख दिया कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा मतलब एक एक्स वाई जेड ऐसा मतलब बता दिया कि ऐसा ऐसा मतलब। वो टाइम पे मैं अलग लाइन, मतलब एसी रिपेयरिंग का कोर्स चालू था, एसी रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब मेरे को, मतलब वहाँ पे ट्रिगर सेक्शन अरेंज हुआ एक दिन, फिर सर आए, फिर बताए कि ऐसा ऐसा करो कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो फिर बताए कि आप एक काम करो, पहले लिख लो कि आपको क्या बनना है। तो फिर मैं वो लिख लिया सब, मतलब ये अरेंज किया कि ऐसा ऐसा करना है मुझे, ऐसा ऐसा है। तो फिर उस समय सपना क्या था? हाँ। उस समय का सपना क्या क्या था? उस समय का सपना ऐसा था कि मेरा मतलब एक दस नहीं, उस समय आपका सिचुएशन क्या था? सिर्फ वो टाइम पे मतलब फ्लैट था, कुछ भी नहीं था। okay. मतलब क्या करना है कुछ नहीं, जो मिल रही लाइन वो चलो, मतलब ऐसा कि ज्यादा सोच नहीं थी वो टाइम पे। okay. इतना सोच नहीं पाता था कि वहाँ तक जाना है, वहाँ तक है? बॉम्बे से? हाँ, बॉम्बे से। मतलब बॉम्बे से नहीं, गांव से था। गांव से? कौन सा जगह से? मैं बेड़गा से हूँ। बेड़गा, लातूर? लातूर। ओके ओके। हाँ, तो वहाँ से मैं मतलब वहाँ से मेरे को वहाँ पे आया, फिर इधर यहाँ पे मतलब बोरुली में एक क्लासेस था, वहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ। तो फिर वहाँ पे ट्रिगर सेक्शन आपका अटेंड हुआ, वहाँ से फिर मेरे को थोड़ा मतलब अच्छा लगा कि फिर वो ट्रिगर सेक्शन में जब गया ट्रिगर सेक्शन में, तो मेरे को अच्छा लगा कि सुनने के लिए अच्छा लगा कि मेरे को ऐसा लगता था कि सिर्फ सुनूं, सुनने में अच्छा लग रहा था, मगर करने में मतलब लग रहा नहीं था मैं करूँगा करके कुछ करूँगा करके मुझे ऐसा लग रहा नहीं था, मगर मैं सोचा। फिर सोचते सोचते फिर आपने बताया कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा। okay. तो फिर वैसे वैसे करते करते गए। तो उसमें कुछ आपने सपना बताया था जो आज सच हुआ है। हाँ, आज तो मैं चाहता हूँ, और ये जो वीडियो है यूट्यूब में है, जितना भी सपना है ना, तो मैं आपको थोड़ा टाइम पे यूट्यूब का वीडियो बताऊंगा। तो आपने दो एक साल पहले जो जो सपना में बताया था, जो आपका टारगेट था, आज उसमें क्या क्या अच्छा हुआ है वो बताइए। हाँ, तो पहले दो साल पहले मैंने सोचा था कि मेरा मतलब 5-6 तो शॉप होगा खुद का। तो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरा एक फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि मैंने खुद का शॉप लेके खुद का ऑफिस खोल दिया है, और ये आप देख सकते हैं मेरा ऑफिस। तो ये मतलब यहाँ पे सब, मतलब ये मेरा कैसा एजेंट का काम है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, गैजेट, एफिडेविट, फूड लाइसेंस, ये फूड लाइसेंस, ऑनलाइन कुछ फॉर्म भरना है तो जेरोक्स मशीन है मेरे पास, मतलब जेरोक्स मशीन है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, उद्योग आधार अभी जो नया निकला है, गुमस्ता लाइसेंस, ये सब मैं करता हूँ, ये सब मेरा काम है, मतलब ये मेरे को अच्छा लगता है ये काम करने में। तो फिर वो अच्छा लगता है, फिर वो करते गया मैं, फिर करते 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 अब ये पोजीशन में हूँ अभी फिलहाल। तो अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो फिलहाल तो एक सपना पूरा हो गया कि खुद का ऑफिस बना लिया। ये पहला सपना तो मेरा, मतलब छोटा वाला सपना जो था कि मेरा एक ऑफिस हो और मैं वहाँ पे बैठूँ, वहाँ पे मेरा मतलब खुद के लिए सेपरेट हो, और वो हेड ऑफिस हो और मेरे खुद के जगह पे मेरा ऑफिस हो, तो वो मेरा सपना पूरा हुआ। ग्रेट। और इसमें इन्होंने एक्चुअली ये ना, जब उनका सपना था, टारगेट था, तभी उन्होंने दो चीज बताया। उनका तभी शादी नहीं हुआ, तो ही टोल्ड मी मेरा शादी के बाद मेरी लड़की होगी और एक लड़का होगा। लड़की हो गई, अभी लड़का बाकी है। एक लड़का बाकी है, और उसका नाम क्या रखा था वो भी बता देता था। वो एक का नाम रखा था, रखने लगा, लड़का होता तो रुद्रा रखता था, और लड़की होती तो रुद्रा नहीं रखता था। आज मैंने मेरी लड़की का नाम तो रुद्रा नहीं रख लिया, और प्लस क्या मालूम है, मैंने ऐसा सोचा था कि
मेरे शॉप का नाम भी रुद्रैनी इंटरप्राइजेस होगा करके, तो फिर रुद्रैनी इंटरप्राइजेस करके मेरा जो बोर्ड है ऊपर जो लगा है अभी रुद्रैनी इंटरप्राइजेस से ही है। तो मतलब ये सपना, मतलब जो जो मैंने जब आप जब ट्रिगर सीन अटर किए थे तो आपके पास शॉप्स था वहां पे? नहीं था कुछ भी, नहीं कभी तभी कुछ शॉप नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद अभी कितना शॉप्स हो गया, क्या क्या? नहीं मतलब अभी फिलहाल तो मेरा एक शॉप हो गया, अभी दूसरा ठाकुर कॉम्प्लेक्स में है जो पार्टनरशिप में डाला था मैंने, तो फिर वो जो बंदा है वहाँ पे। मेरे ख्याल से दो शॉप बोला था, कितना? 300 हो रहा था ऑडियो में, हम लोग ऑडियो में तो 10 शॉप बोला था, 10 शॉप बोला। अच्छा, और 8 और 8 शॉप बाकी है अभी तो, मतलब बड़ा और 8 अभी तो 2 शॉप हो गए, अभी 6 शॉप बाकी है, अभी 6 शॉप खोलना बाकी है अभी। पहला इंटरव्यू हुआ कि वो क्या कर रहे थे, अभी जो इंटरव्यू होगा अभी जो हो रहा है ये फर्स्ट गियर में है गाड़ी, ठीक है, और भी टॉप गियर में जाना बाकी है, बहुत बाकी है। 20 साल का जो सपना है, 20 साल का, अभी इतना जल्दी होगा, 2 साल हो गए ये बात करके, है ना। उनको होन का शॉप चाहिए था और शॉप मिल गया, राइट। ये जो सेशन कितना चेंजेस करता है, दैट वो वही एक एकदम धमाकेदार था। तो मैं बोला सच में आके मिलूं इनसे कि, और इनका सपना मेरा सपना है क्योंकि हम लोग ने सब मिलके बना था ये सपना। तो मैं बहुत खुश हूँ इनकी जो सपना जो साकार हुआ है। और अभी इनका जो काम है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे फूड लाइसेंस का काम करते हैं ये, तो अगर कोई मेरे फ्रेंड है तो मेरा और भी 5000 फ्रेंड्स हैं, तो उनको कहीं पे कुछ काम है, सपोर्ट चाहिए, तो महेश माने विल हेल्प यू, इज अ वेरी जेन पर्सन, ठीक है। और जैसे जैसे काम है, फूड लाइसेंस का काम है, किसी को ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ हेल्प चाहिए, और बीएमसी का यू नो ऑनलाइन एग्जाम भरना जो भी है, हेल्प यू, पासपोर्ट, पर्टिकुलरली पासपोर्ट बनाना, गैजेट्स में नाम चेंज करना, नेम चेंज, कितना लोग इसके पीछे रहते हैं कर नहीं पाता, राइट, गैजेट्स में नाम चेंज करना, गुमास्ता लाइसेंस है ना, जो बिजनेस ऑप्शन नेशनल लाइसेंस है वो भी करके देते हैं, आधार उद्योग करके देते हैं, किसी का मनी ट्रांसफर है वो सब कुछ होता है, राइट, और बाकी जेरोक्स वेरोक्स जो भी है वो भी है, पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब है, लेकिन तो ये बड़ी बड़ी काम है, तो कभी कुछ है तो प्लीज कॉन्टैक्ट, और आपकी कोई तकलीफ है तो माने विल हेल्प यू, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरा यूट्यूब में वो वापस रिपीट करना पड़ेगा, आपको खत्म हो गया, बैक जाना पड़ेगा, ऊपर का बैग, हाँ ठीक है ना। इसमें अभी मैं आज कुछ चीज बताता हूँ कि हमारे ये हमारा YouTube में चालू है, यू कैन चेक दिस YouTube, ओके, लाइव सक्सेस प्रोग्राम है ना, ये YouTube पे रखिए, सुनना पड़ेगा नहीं तो वीडियो जैसे देखिए, या ये है ना, ये मेरे चैनल्स में इनका वीडियो है, 1 साल पहले इनका पोस्ट हुआ है, ये जो भी सपना है ना उन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। और इसमें ये जो जितना भी सपना था वो आज साकार हुआ है, सो वी आर जस्ट वेरी हैप्पी टू सेलिब्रेट दिस फर्स्ट सक्सेस। और भी हमें बहुत सारे, और 8 शॉप्स बाकी है, और 2 BHK बाकी है, 2 BHK खुद का शॉप, मतलब खुद का हाउस हो, हाँ खुद का 2 BHK बाकी है, ये सब पिक्चर बाकी है, मैं बोला उससे पहले मिलके हम लोग कुछ सेलिब्रेट करें, इसके लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। होप यू ऑल एंजॉय टुडे, अच्छा लगा होगा, राइट, सो कीप गेटिंग सक्सेस एंड रॉक, राइट, थैंक यू। बोले और कुछ बताना है? बाय, थैंक यू, चलो थैंक यू, बाय।